हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा और हम पढ़ रहे थे मैथ्स 2 का सिमिलैरिटी चैप्टर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है फ्रेंड्स, बट उससे पहले फ्रेंड्स, हम इस टॉपिक में अभी तक जो कुछ डिस्कस कर चुके हैं उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इन टॉपिक्स को हमें इन प्रॉब्लम में अभी एक बार यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें सबसे पहले फ्रेंड्स हमने पढ़ा था ट्राइंगल्स हैविंग डिफरेंट बेसिस एंड हाइट्स। इसका मतलब फ्रेंड्स कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों ट्राइंगल्स के बेसिस और हाइट्स अगर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, बेस भी डिफरेंट है और हाइट भी डिफरेंट है, तो फिर उन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, ठीक है, उन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ये किसे इक्वल रहेगा, ये रहेगा इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी जो हमें डायरेक्टली यूज़ करना है हमारे प्रॉब्लम्स में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने पढ़ा था ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल और कॉमन हाइट। ठीक है फ्रेंड, इसका मतलब क्या कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स है और दोनों ट्राइंगल की हाइट या तो कॉमन या तो क्या है, इक्वल है, तो फिर उन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, ठीक है, उन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ये किसे इक्वल रहेगा, ये इक्वल रहेगा टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस। अगर कब, जब दोनों की हाइट क्या रहेंगी, कॉमन रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी फ्रेंड्स, या थर्ड कंडीशन, ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेसिस। मतलब इस बार आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों ट्राइंगल्स में क्या कॉमन है, उन दोनों के बेस क्या है, कॉमन है, तो अगर उन दो ट्राइंगल के बेस कॉमन है तो फिर उन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ये किसे इक्वल रहेगा, तो फ्रेंड्स ये इक्वल रहेगा टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने पढ़ा था फोर्थ कंडीशन, ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस एज वेल एज हाइट। मतलब ऐसे दो ट्राइंगल्स जिनके बेस भी कॉमन है और साथ में हाइट भी कॉमन है, तो फिर उन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ये किसे इक्वल रहेगा, ये रहेगा 1:1। इसका मतलब फ्रेंड्स उन दोनों ट्राइंगल का एरिया भी क्या रहेगा, इक्वल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हमारा टॉपिक था जो हमने पढ़ा था प्रैक्टिस सेट 1.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट में। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.1। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इन एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू बी सी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पी क्यू ये परपेंडिकुलर है किसको, बी सी को। उसके बाद फ्रेंड्स, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, एंड देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। तो फ्रेंड्स, हमें ये चार रेशियोज देखिए फाइंड करना है, ठीक है, जिसमें आपको दिया है पी क्यू परपेंडिकुलर बी सी को, देन आपको दिया है ए डी, ए डी परपेंडिकुलर अगेन बी सी को, और हमें फाइंड करना है फ्रेंड्स ये चार रेशियोज। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रेशियो है फ्रेंड्स आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी। मतलब हमें फाइंड करना है इन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो। सो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इन्हें देख लेते हैं कहाँ पे है ये। तो देखिए आपके पास पी क्यू बी, ठीक है फ्रेंड्स, पी क्यू बी। तो फ्रेंड्स, इस ट्राइंगल पी क्यू बी में जो बेस है वो कौन रहेगी, वो रहेगी बी क्यू, या आप बोल सकते हैं क्यू बी, और फ्रेंड्स हाइट कौन रहेगी, वो रहेगी पी क्यू। ठीक है फ्रेंड्स, सो बेस है बी क्यू और हाइट है पी क्यू, क्योंकि ये देखिए परपेंडिकुलर साइन है, मतलब ये डेफिनेटली क्या है, हाइट, और ये हाइट हमेशा किसे परपेंडिकुलर रहेंगी, उसके बेस को। ठीक है, तो इस ट्राइंगल की जो बेस है वो है बी क्यू। देन फ्रेंड्स, ट्राइंगल पी बी सी, पी बी और सी। सो फ्रेंड्स, अब बताइए कौन है इसकी हाइट, तो इसकी हाइट है कौन, पी क्यू। ठीक है फ्रेंड्स, और बेस कौन है, तो हाइट इस सेगमेंट पे परपेंडिकुलर है पी बी सी के, तो डेफिनेटली बी सी क्या रहेंगी, उसकी हाइट। तो फ्रेंड्स, इन दो ट्राइंगल्स में आपको क्या कॉमन लग रहा है, तो यहाँ पे कॉमन कौन है, इसकी हाइट।
ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अभी हमने जस्ट सुने थे कि अगर किसी ट्राइंगल में, दो ट्राइंगल्स में अगर हाइट कॉमन रहेगी तो फिर उन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ये किसे इक्वल रहेगा, उनके करिस्पॉन्डिंग बेस को। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। फर्स्ट सो हम लिखेंगे फ्रेंड्स ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल पी बी सी हैव अ कॉमन हाइट। ठीक है फ्रेंड, और वो हाइट कॉमन कौन सी है, पी क्यू, यहाँ पर लिखेंगे दैट इज पी क्यू। ठीक है, सो देयरफोर द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग बेसिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, आपको वो फॉर्मूला यूज़ करके हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज़ करके फिर उसे कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी पढ़ चुकी है, तो अब इसको डायरेक्टली आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बट वो प्रॉपर्टी आप क्यों यूज़ कर रहे हैं वो आपको डिस्क्राइब करना ज़रूरी है। तो हमने लिखा है फ्रेंड्स दो ट्राइंगल्स जिनमें हाइट क्या है कॉमन, और इसलिए हम वो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, कौन सी, द रेशियो ऑफ द एरियाज, ये क्या रहेगा, इक्वल रहेगा किसे, टू द रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग, यहाँ पे आएगा बेसिस। ठीक है, सो चलिए फ्रेंड्स अप्लाई करते हैं। देयरफोर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी इज इक्वल टू, तो देखिए फ्रेंड्स फॉर पी क्यू बी ये तो कॉमन हाइट है, तो इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली किसे लिखेंगे, रेशियो लिखेंगे करिस्पॉन्डिंग बेस का। तो कौन है इसका बेस, पी क्यू बी का, बी क्यू डिवाइडेड बाय, अब फ्रेंड्स फॉर ट्राइंगल पी बी सी, पी बी सी तो फ्रेंड्स अगेन यहाँ पे कौन है कॉमन, पी क्यू है कॉमन जो है हाइट, तो फिर यहाँ पे उनकी करिस्पॉन्डिंग बेस कौन रहेंगी, वो रहेंगी बी सी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको इनकी वैल्यूज दी नहीं है, तो आप इन्हें और आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लेंगे सेकेंड वाला सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं, अभी सेकेंड में आपको फाइंड करना है दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, और वो ट्रायंगल्स है पी बी सी एंड ए बी सी। सो कहाँ है पी बी सी, पी बी सी, सो अगेन फ्रेंड्स देखिए वही ट्रायंगल है जिसमें बी सी है आपका कौन, बेस, और पी क्यू कौन रहेंगी, हाइट। ठीक है, परपेंडिकुलर है, सो ये हाइट, और ए बी सी, तो फ्रेंड्स ए बी सी में देखिए कौन है यहाँ पे हाइट, ए डी है यहाँ पे परपेंडिकुलर, मतलब ए डी हो गई हाइट, और किस पे है, बी सी पे, मतलब बी सी हो गई बेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दो ट्राइंगल्स में पी बी सी और ए बी सी कौन, फ्रेंड्स कौन कॉमन है यहाँ पे, बी सी कॉमन है। ठीक है, हाइट दोनों की क्या है, अलग, पी बी सी की हाइट है पी क्यू, ए बी सी की हाइट है ए डी, तो बेस कॉमन है, तो फिर इन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ये किसे इक्वल रहेगा, ये इक्वल रहेगा टू द रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग, हाँ किसे, करेस्पॉन्डिंग हाइट को, क्योंकि बेसिस क्या है, इक्वल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल पी बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी हैव अ कॉमन बेस दैट इज, कौन सी कॉमन बेस, बी सी। ठीक है फ्रेंड्स, देयरफोर द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल, किसे इक्वल रहेगा, टू द रेशियो, किसका रेशियो, ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग हाइट्स, और क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि उनकी बेस क्या है, कॉमन। ठीक है, सो चलिए अब डायरेक्टली हम वो प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने बता दिया है कि यहाँ पे बेस कॉमन है, और इसलिए रेशियो ये किसे इक्वल रहेगा, दो ट्रायंगल के एरिया का, ये इक्वल रहेगा टू द रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, सो देयरफोर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू,
सो फ्रेंड्स यहाँ पे पी बी सी में बेस तो कॉमन है, तो हाइट कौन है पी क्यू, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग हाइट आएंगी पी क्यू। फिर फ्रेंड्स ट्राइंगल ए बी सी में बेस है कॉमन बी सी, तो करस्पॉन्डिंग कौन यहाँ पे रहेंगी हाइट। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो गया देखिए आपका सेकेंड का फाइनल आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड रेशियो, ठीक है, जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। सो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं कहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो ये है ट्राइंगल ए बी सी। सो फ्रेंड्स कौन है इसका बेस, तो बी सी है इसका बेस, ठीक है, और हाइट कौन है ए डी है हाइट। ठीक है देखिए यह है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, जो कहाँ पर रहता है बेस पे। सो ए डी है परपेंडिकुलर हाइट और बी सी है आपका क्या, यह है बेस ट्राइंगल ए बी सी के लिए। फिर फ्रेंड्स इसके बाद है ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी, तो इस ट्राइंगल में फ्रेंड्स अगेन देखिए ए डी ये हाइट है, तो डेफिनेटली डी सी क्या होंगी इसकी बेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दो ट्राइंगल में ये जो ए डी है ये है कॉमन, और ये इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए क्या है हाइट है, तो इसका मतलब इन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ये किसे इक्वल रहेगा, ये रहेगा टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस, क्योंकि हाइट क्या है यहाँ पे कॉमन है। ठीक है फ्रेंड्स, हम पढ़ चुके हैं हमारी ये प्रॉपर्टी, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी हैव अ कॉमन हाइट, ठीक है, कौन सी है, दैट इज ए डी। ठीक है फ्रेंड्स, सो देयरफोर द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज एरियाज इज किसे प्रोपोर्शनल रहेगा, ये इज प्रोपोर्शनल टू देयर, इज प्रोपोर्शनल टू देयर किसे, करस्पॉन्डिंग बेसिस को, करस्पॉन्डिंग ये रहेगा उनके बेसिस को, क्योंकि यहाँ पे हाइट क्या है कॉमन। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे लिखेंगे हम, सो देयरफोर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। ठीक फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखिए डायरेक्टली प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं, आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है, उसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है, सो आप डायरेक्टली उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। बट उससे पहले आपको यहाँ पर रीज़न स्पेसिफाई करना होगा कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप डायरेक्टली उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें पता है कि यहाँ पे हाइट कॉमन है, तो इसलिए इनका रेशियो रहेगा किसको इक्वल, करस्पॉन्डिंग बेस को। तो फ्रेंड्स ट्राइंगल ए बी सी के लिए ए बी सी कौन है बेस, तो बी सी इज़ द बेस, और ट्राइंगल ए डी सी के लिए ए डी सी कौन है बेस, डी सी इज़ द बेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए आपका थर्ड रेशियो और ये इसका आंसर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे डेफिनेटली हमें वैल्यूज पता नहीं है, तो हम इसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा फोर्थ रेशियो, जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रेशियो हमें फाइंड करना है, तो चलिए देखते हैं हम कि ये दो ट्राइंगल्स कहाँ पर है एग्जैक्टली, कौन सा ट्राइंगल ए डी सी। सो कहाँ है फ्रेंड्स ए डी सी, ये देखिए ए डी सी, तो अगेन यहाँ पे डी सी है बेस और ए डी है हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ट्राइंगल पी क्यू सी, सो कहाँ पे पी क्यू सी। सो फ्रेंड्स देखिए पी क्यू सी में यह है परपेंडिकुलर, सो डेफिनेटली ये परपेंडिकुलर जिस साइड के ऊपर है मतलब क्यू सी, ये क्यू सी क्या रहेंगे इसकी बेस, तो पी क्यू क्या हो गई हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस ट्राइंगल में पी क्यू है हाइट, क्यू सी है बेस। तो फ्रेंड्स देखिए ए डी सी में बेस जो है वो है डी सी और हाइट है ए डी, और पी क्यू सी में हाइट है पी क्यू और बेस है क्यू सी। इसका मतलब फ्रेंड्स इन दोनों ट्राइंगल्स में दोनों की बेस और दोनों की हाइट क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, सो देयरफोर हमें पता है कि अगर किसी दो ट्राइंगल में दोनों की हाइट और बेस डिफरेंट है, उन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ये किसे इक्वल रहेगा, टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट। ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स, एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज
equal to the ratio of their क्या corresponding bases and height. ठीक है फ्रेंड, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स किसे इक्वल रहता है, टू द रेशियो ठीक ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट्स. तो कैसे लिखेंगे हम इसे, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू, तो किसे इक्वल रहता है, ये इक्वल रहता है टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी रहता है किसका, करेस्पॉन्डिंग बेस और हाइट का. ठीक है फ्रेंड, तो ट्राइंगल ए डी सी के लिए ए डी सी कौन है यहाँ पे बेस, तो डी सी है बेस, और कौन है यहाँ पे हाइट, ए डी है हाइट. फिर फ्रेंड्स ट्राइंगल पी क्यू सी के लिए पी क्यू सी बेस है क्यू सी और हाइट है पी क्यू, तो यहाँ पे बेस है क्यू सी और हाइट है पी क्यू. ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये है आपका फोर्थ रेशियो. ठीक फ्रेंड्स, तो इस तरह ये प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन फिफ्थ फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.1. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैप्टर का ठीक सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अब तक फ्रेंड्स आप इस प्रॉब्लम को रिवाइज कीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा. और फ्रेंड्स इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंट्रोडक्शन वीडियोज़ हैं वो अगर आपने मिस कर दिए है तो प्लीज़ उन्हें चेकआउट कर लीजिए यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके. ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.